जी हाँ मित्रों, हम लोग बात करेंगे होल वाचर ट्रेड की। होल वाचर को कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट या फिर स्टैंड बाय पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, एक होल वाचर की सैलरी लगभग एक रिगर की सैलरी के बराबर ही होती है। मित्रों, होल वाचर का डिमांड शटडाउन में बहुत होता है। जैसे इन वैकेंसी में देखिए होल वाचर का डिमांड कितना है। प्रत्येक शटडाउन में कॉलम वेसल्स का मेंटेनेंस करना ही होता है, जिसमें होल वाचर चाहिए ही चाहिए। जहां तक क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो एक होल वाचर को कम से कम 10वीं पास होने के साथ इंग्लिश लिखना पढ़ना ही केवल आना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग होल वाचर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ क्लाइंट इंटरव्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर की भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में एक होल वाचर के 10 काम की, या कहे तो 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से आप लगभग 5 बताकर इंटरव्यू पास कर जाएंगे। तो चले मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ ए कन्फाइन स्पेस अटेंडेंट या होल वाचर। एक होल वाचर की ड्यूटी क्या होती है? मित्रों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद ही कर लीजिए। इसका आंसर है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल इंश्योर दैट वैलिड वर्क परमिट इज अवेलेबल। अर्थात एक होल वाचर सुनिश्चित करता है कि वैलिड वर्क परमिट है कि नहीं है, यानी कि बिना वर्क परमिट के काम चालू नहीं हो सकता है। होल वाचर का नेक्स्ट काम होता है मित्रों, यदि वर्क परमिट में उल्लिखित सभी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं, तो होल वाचर काम रोक सकता है। अगला है, एक होल वाचर प्रवेश निकास लॉग शीट रखता है और प्रवेशकों यानी अंदर जाने वालों और कन्फाइन स्पेस से बाहर आने वाले व्यक्ति के नाम को लॉग शीट में लिख कर रखता है। फोटो में देखते चले। होल वाचर का अगला काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कन्फाइन स्पेस में काम करने वाले से वर्बल विजुअल माध्यम से संवाद भी करता रहता है कि अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला है, होल वाचर हमेशा अलर्ट रहता है, कार्यस्थल की स्थिति की निगरानी करता है, असेंबली पॉइंट का स्थान, हवा की दिशा, आपातकालीन संपर्क यानी कि इमरजेंसी नंबर भी याद रखता है। छठा रिस्पॉन्सिबिलिटी है होल वाचर का मित्रों, किसी भी आपात स्थिति में सभी कामगारों को कन्फाइन स्पेस से हटने का निर्देश देता है। अगला है, होल वाचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यह भी होता है कि आने जाने के रास्ता को हमेशा वो क्लियर रखें। अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कन्फाइन स्पेस में कोई घटना घटती है तो जो है कि होल वाचर अलार्म बजाता है। अगला है, जहां आवश्यक होता है इमरजेंसी टीम की सहायता करता है। दसवां है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलवेज प्रेजेंट एट एंट्री पॉइंट ड्यूरिंग वर्क, यानी कि काम के समय हमेशा वह एंट्री पर यानी कि एंट्री गेट पर यानी कि जिस मैनवे से अंदर जाया जाता है वहां पे हमेशा उपस्थित रहता है। तो इस तरह हम लोगों ने एक होल वाचर के ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त किए। मित्रों, हम लोगों ने 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा, आप इनमें से 5-6 बता देंगे तो भी क्लाइंट आपको पास कर देगा। मित्रों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो देखने से बेहतर पढ़ना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ब्लॉग गूगल पर बनाया है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ आप जाकर इस वीडियो को आराम आराम से पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही मजे की बात है, यदि आप मेरे जैसे वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप इसको अपने आवाज में बोलकर वीडियो बना सकते हैं।
कोई समस्या नहीं होगी। तो अच्छे काम में देर क्यों, वह भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पहुंच जाइए प्रसाद रिफाइनरी मेंटेनेंस ब्लॉग पर और मौका का फायदा उठाइए। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप इंटरव्यू अवश्य पास करेंगी। बेस्ट ऑफ लक।